घर में शादी ब्याह पार्टीज का माहौल हो और दारू जैसी चीज मिसिंग हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देश और भेष चाहे कोई भी हो, लेकिन दारू पीने वाले दुनिया भर में मिलते हैं। हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री को ही ले लीजिए, जो दारू पर 10 तरह के गाने बनाती है। अब जब लोग इस आइटम को इतना सेलिब्रेट करते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, इसे पीने के लिए लोग इतना क्यों मचल उठते हैं और ये आखिर बनती कैसे है। चलिए आज इन सभी सवालों से पर्दा उठाते हैं। बात यार की हो या प्यार की, जहां रिश्तों के सेलिब्रेशन की बात आती है, वहां विस्की के जाम लग ही जाते हैं। उस पर भी अगर रॉयल स्टैग विस्की के जाम हो, तो फिर अच्छे अच्छे भी खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाते। इंडिया के सबसे पॉपुलर ब्रांड में से एक रॉयल स्टैग आज से ही नहीं बल्कि सदियों से लोगों की पहली पसंद रहा है। 130 रुपए की कीमत के साथ मार्केट में बिकने वाली दारू को लोग कितना पसंद करते हैं, इसका जीता जागता नमूना लॉकडाउन में तो सबने देखा। दारू बेचकर सरकार ने कितना मुनाफा कमाया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। एक अल्कोहल ही ऐसी चीज है जिस पर लोग पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। उस पर भी अगर रॉयल स्टैग विस्की सामने हो, तो हर किसी की शाम बन जाती है। ये ब्रांड पहले से ही भारत के लोगों की पहली पसंद रहा है। गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता और दमन में 4 फैक्ट्रीज के साथ रॉयल स्टैग बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इसने अपनी शुरुआत साल 1995 में की थी और आज से हर साल दारू बेचकर करोड़ों में खेलता है। देखना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे फैक्ट्री से आपके पैक तक पहुंचती है। ये है रॉयल स्टैग फैक्ट्री, जहां बनाई जाती है लोगों की स्पेशल और हाई क्वालिटी विस्की। हाँ, वही विस्की जो कई शराबियों की तलब शांत करती है, उन्हें जिंदगी की मोह माया से आजाद फील कराती है। इसके मदहोश कर देने वाले नशे को बनाने के लिए फैक्ट्रीज में कई वर्कर्स काम करते हैं। सबसे पहले उनका काम होता है कि खेतों से आने वाले फ्रेशली हार्वेस्टेड गेहूं और मक्के को माल्टिंग के लिए तैयार करें। डायरेक्ट खेतों से निकाल कर फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छे से पानी में भिगो कर साफ किया जाता है। वैसे बता दे कि माल्टिंग प्रोसेस के 3 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज में अनाज को भिगोया जाता है। जब वह साफ होता है, तो बारी आती है उसे जर्मिनेट यानी अंकुरित करने की और आखिर में सुखाने की। विस्की बनाने की प्रक्रिया में पहला स्टेज अनाज को धोने का ही होता है, जिसमें उन्हें 12 घंटे के लिए भिगोया जाता है। फिर सारा गंदा पानी रिप्लेस करके इसे दोबारा 14 घंटों के लिए भिगोया जाता है, जो कि जर्मिनेटिंग प्रोसेस का हिस्सा है। 14 घंटे गुजर जाने के बाद इनका सारा पानी ड्रेन किया जाता है और अनाज को एक खाली मगर साफ फ्लोर में बिछाया जाता है। ये खाली फ्लोर एक बहुत बड़ा एरिया होता है, जिस पर अनाज डालने के बाद उसे कुछ दिन के लिए कमरे में बंद रखा जाता है। ये टाइम पीरियड स्पेशली अनाज को सूखने के लिए दिया जाता है। लेकिन अभी माल्टिंग प्रोसेस की बाकी स्टेज भी बाकी होती है, जिसके तहत अनाज को ढंग से सुखाने और विस्की को स्मोकी फ्लेवर दिया जाता है। इसके लिए अनाज के कमरे में जुड़ी भट्टी में आग लगाकर धुआं किया जाता है। 2 दिन तक अनाज को धुएं के साथ छोड़ा जाता है, जिससे अनाज धुएं को सोख लेता है। माल्टिंग प्रोसेस की इस लास्ट स्टेज में अनाज पूरी तरह से क्वालिटी चेक के लिए रेडी हो जाता है। अब वर्कर्स का काम होता है कि अनाज की क्वालिटी चेक करे और उसे ग्राइंडिंग के लिए तैयार करे। एक बार क्वालिटी को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो अनाज को सीधे ग्राइंड करके उसे फर्मेंटेशन के लिए तैयार किया जाता है। ध्यान रहे, ये विस्की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इसमें अनाज को सड़ाने के लिए पहले उसे एक कंटेनर में डाला जाता है, जिसमें यीस्ट का पानी भी होता है। इन दोनों को साथ में इसीलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि यीस्ट अनाज को बहुत तेजी से सड़ाने का काम करता है। फिर भी इसे पूरा होने में 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन एक यीस्ट और अनाज के मिक्सचर को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता, लेकिन 2 दिन बाद अल्कोहल बनकर रेडी हो जाती है। इसकी तेज स्मेल से ही पता चल जाता है कि अल्कोहल से वेस्ट एक्सट्रैक्ट निकालने का टाइम आ गया है। एक बार ये स्टेप पूरा होने के बाद विस्की को स्टोर कर दिया जाता है। जी हाँ, बड़े बड़े टैंक्स में इन्हें कम से कम 3 साल के लिए स्टोर करके रखा जाता है, जिनको बेयर हाउस भी कहा जाता है। वैसे बता दे कि आम दारू को इतने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रॉयल स्टैग एक स्कॉच विस्की है,
इसका सिंपल सा लॉजिक है कि दारू जितनी पुरानी होती है उसकी टेस्ट, रिचनेस और मदहोशी वाला नशा उतना ही बेहतर होता है। नो डाउट, इसीलिए रॉयल स्टैग ने लंबे समय से मार्केट में एक बेस्ट पोजीशन होल्ड कर रखी है। 3 साल से ज्यादा टाइम पूरा होने पर विस्की को उसी पैकिंग में डाला जाता है जैसे कि वो आपको मार्केट में देखने को मिलती है। एक बार पैक्ड होने के बाद अल्कोहल को मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट्री से निकलकर ये नशा देश के कोने कोने में पहुंचता है। केवल रॉयल स्टैग ही नहीं बल्कि दुनिया भर की बाकी ब्रांड्स भी इसी तरह विस्की तैयार करते हैं और मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। कुछ यही हाल सिगरेट बेचने वाले ब्रांड्स का भी है। सिगरेट्स को भी बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ये है एक सिगरेट की फैक्ट्री जहां हर दिन कई लाखों सिगरेट्स बनाई जाती है और वो भी एक मेन इंग्रेडिएंट से जिसे कहते हैं टोबैको। टोबैको के बिना सिगरेट नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए इसके प्रोडक्शन के लिए ग्रीन हाउस नर्सरी का सहारा लिया जाता है। पौधे को बड़े हो जाने पर उन्हें बड़े बड़े खेतों में लगा दिया जाता है, लेकिन इसकी खेती केवल काली मिट्टी पर ही होती है। 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद टोबैको लीव्स पूरी तरह ग्रो कर जाती है और उन्हें हार्वेस्ट करने का सीजन आ जाता है। इनकी पत्तियों को बड़े ही प्यार से तोड़कर फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां सबसे पहली स्टेज में उन्हें सुखाया जाता है। हरी पत्तियों से मॉइस्चर सुखाने के लिए इन्हें लकड़ी के बड़े से फ्रेम में पिरोकर ऊपर लटका देते हैं। लगभग 21 दिनों में पत्तियां बिल्कुल ड्राई हो जाती है। अब इनमें से कुछ पत्तियों को सिगार बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है जबकि कुछ पत्तियों को सिगरेट बनाने की प्रोसेस से जोड़ दिया जाता है। स्पेशली बेस्ट क्वालिटी के पत्तों को सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री के हाथ सौंपा जाता है। सिगरेट की फैक्ट्री में सबसे पहले पत्तों को ग्राइंडर मशीन से बिल्कुल बारीक किया जाता है। अंदर का माल तैयार होने के बाद सिगरेट के रोल को बनाना जरूरी होता है। इसके रोल को बहुत ही पतले पेपर से तैयार किया जाता है। उसके बाद पेपर को रोलिंग मशीन में डाला जाता है। आगे से सिगरेट के रोल में बदलने की जिम्मेदारी मशीन की होती है और ये इस काम को बखूबी करती है। एक बार पतले और छोटे रोल्स रेडी होने के बाद फिल्टर पेपर को भी तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए प्लास्टिक सेल्यूलोज एसीटेट फाइबर का यूज होता है। इस पेपर को भी रोलिंग मशीन से पास होना पड़ता है जहां इन्हें रोल कर दिया जाता है। जब तीनों आइटम हमारे पास रेडी होते हैं तो फाइनल आउटपुट को बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए रोलिंग पेपर, फिल्टर और टोबैको को एक मशीन में डाला जाता है जहां पहले फिल्टर और पेपर को अटैच किया जाता है, फिर उसमें टोबैको को भरा जाता है। तीनों चीजों को साथ में जोड़ने पर सिगरेट तो बन जाती है, लेकिन इनकी क्वालिटी चेक करना जरूरी होता है। सिगरेट के छोटे होने की वजह से इनकी क्वालिटी चेक एक मशीन करती है। ये मशीन फाइन क्वालिटी की सिगरेट्स को पैकिंग के लिए भेज देती है जबकि डिफॉल्ट सिगरेट्स को बाहर कर देती है। आगे अच्छी क्वालिटी की सिगरेट्स को मशीन डब्बे में फिल कर देती है और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में उतरने के लिए रेडी हो जाता है। इन्हें मार्केट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की होती है। यही मार्केट में सिगरेट्स को उतारते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अल्कोहल और सिगरेट्स आज की तारीख में लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हो गया है। कुछ लोग कूल दिखने के लिए इन आइटम्स का सेवन करते हैं तो कुछ इन्हें स्ट्रेस बस्टर समझते हैं। खैर लोगों की सोच जो भी हो, लेकिन लॉजिकली जाए तो ये स्लो पॉइजन है। इनकी मेकिंग प्रोसेस भले ही हमें रोमांचित करती है, लेकिन जब एक बार इंसान इनके चक्रव्यूह में फंस जाता है तो कभी वापस नहीं निकल पाता। इसीलिए इनसे दूरी रखने में ही भलाई है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।